पंच कमेटी एवं मेरे पूजने बुजुर्ग व नौजवान साथी, वैसे आपने इस रंगमंच पर गायक लोग अपने अपने गायकी का परिचय देते हुए निकल रहे हैं। आपकी सेवा के लिए हम भी हाजिर हैं भैया रामवीर। कवि ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, ये वक्त है जो नूर को, ये वक्त है जो नूर को बेनूर बना देता है। आज छोटे से जख्म को नासूर बना देता वरना कौन नहीं चाहता अपनों से प्यार करना। ये वक्त है जो सबको मजबूर बना देता है। भैया ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ऑफिस पे इतबार करे से बहना।
धर्मराज से कहा, स्वामी आज वो अन्याय की चक जिससे मैं बहाना बना करके अपनी इज्जत अपनी आबरू बचा करके आपके पास आ गई, उसकी चक का कुछ कीजिए। आज कीचक की सारी कहानी सुनी, विचार किया भी हमारे अज्ञातवास में एक महीना बाकी है, इस एक महीने के बाद हम कीचक को नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी निराश हो गई, अर्जुन से कहा, यही जवाब दिया, नकुल और सहदेव पहले से गर्दन झुका करके खड़े हैं। आज द्रौपदी निराश हो गई, विचार किया मैं भीम से भी कहना चाहिए, और पहुंच गई भीमसेन के सामने। जैसे ही भीम ने द्रौपदी की आंखों में आंसू देखे, चेहरा उदास देखा, पूछ लिया, द्रौपदी क्या बात है? आज कहा, स्वामी क्या बताऊं आपको, लेकिन मेरे बंधु इतना जरूर कहूंगी, इस संसार के अंदर एक पति की नार, एक पति की नार पति को लगे प्राण से प्यारी, और ये पांच पत्नी की नार जगत में डोले मारी। अच्छे जने सासकू सबने नीची गर्दन डारी, और चरमे से कट गई नाक, पंचो बात बिगड़ गई। आज भीम ने कहा, द्रौपदी हमें खुले शब्दों में बताइए सारी कहानी आज की चक्की भीम के लिए बताई। अब तो जैसे ही भीम ने कीचक का नाम सुना, सारी कहानी को जाना, एकदम से कहा, द्रौपदी आप ऐसा कीजिए। क्या कहा भैया रामवीर? अपने कपड़े भीम के सामने रख दिए,
अब तो आदरणीय बंधुओं भी गुस्से के मारे जले जा रहे हैं और अधिक समय न लगाते हुए आज भी क्या कर रहे हैं, क्या द्रौपदी की ओर देखा और कहा हो गया भैया। अब वहाँ की